नगर निगम ने कोरोना के मरीजों के लिए दिल्ली में 41 कोरोना कॉल सेंटर बनाए हैं। इन कॉल सेंटर्स की मदद से होम क्वारंटाइन में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों का रोजाना हालचाल जाना जाता है। कॉल सेंटर में तैनात 4 लोगों की टीम 24 घंटे काम करती है। इस टीम में डॉक्टर्स भी शामिल हैं। आपातकालीन स्थिति में कोरोना के मरीज कॉल सेंटर में कॉल कर सरकारी मदद भी मांग सकते हैं। हौजकास में बने ऐसे ही एक कोविड कॉल सेंटर से मेरे सहयोगी कुलदीप शर्मा की आप रिपोर्ट देखिए। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने कोरोना के मरीजों की देखभाल करने के लिए 40 से ज्यादा कॉलिंग सेंटर बनाए हैं। इस वक्त मैं ऐसे ही एक कॉलिंग सेंटर पर मौजूद हूं जो दिल्ली के हौजकास इलाके में बनाया गया है। ये सेंटर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से रोजाना कोरोना के मरीजों की देखभाल करता है, उनकी सेहत का अपडेट लेता है, ये मैं आपको दिखाऊं। देखिए, ये दक्षिण दिल्ली नगर निगम की तरफ से चलाया जाने वाला एक कॉलिंग सेंटर है। यहाँ पर 4 लोगों का स्टाफ है और ये स्टाफ अलग अलग तरीके से इस सेंटर में काम करता है। सबसे पहले आप कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हुए एक हेल्थ वर्कर को देखेंगे। यहाँ पर इस इलाके में जितने भी कोरोना के मरीज हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पर रखा गया है और इस रिकॉर्ड के जरिए इस तरीके से एक दूसरे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कोरोना के मरीजों की हेल्थ का जो है वो अपडेट लेते हैं और इसके साथ साथ कैसी उनकी कंडीशन है उसका रोज का ब्यौरा जो है इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ज़्यादा बातचीत करेंगे यहाँ के स्टाफ से और पूछेंगे कि किस तरीके से ये सेंटर जो है वो काम करता है। यहाँ भी आप देखेंगे कि एक और हेल्थ वर्कर है जो एक स्टिकर तैयार कर रहा है जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उनके लिए। दरअसल ये सेंटर खास तौर से उन्हीं कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया है जिनका घर पर इलाज हो रहा है, जो घर पर होम क्वारंटाइन है। मैडम, किस तरीके से आप जो लोग होम क्वारंटाइन है कोविड पेशेंट उनको किस तरीके से आप उनकी हेल्थ का पर निगरानी रखते हैं? एक्चुअली हम मॉर्निंग में हमारे पास से एक लिस्ट आती है और हम उस लिस्ट में से सभी को कॉल करते हैं एक एक करके और उसमें हम छाट लेते हैं कि उनसे उनका पूरा हेल्थ का कंडीशन पूछ के कि कौन ऐसा है जिसको हम घर में रख सकते हैं, जिसकी स्थिति घर में रहने वाली है। उन पेशेंट्स को हम जो है जाके हमारी टीम ANM की होती है और आशा की एक टीम होती है हमारी, वो जाके उनको पल्स ऑक्सीमीटर और ब्लीचिंग पाउडर और जो है पूरी काउंसलिंग वहां पे जाके वो करके आते हैं। उनको अंडरटेकिंग देके उनको समझा के आते हैं कि आपको कैसे रहना है, एक किस कमरे एक कमरे में अलग से जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम हो उस कमरे में अपने आप को आइसोलेट करना है और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनको अपना नंबर देते हैं जिसपे वो हमें किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं। तो हम उनको शिफ्ट भी करा देते हैं, अगर इस बीच में उनको कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम उनको शिफ्ट करा देते हैं। मरीज की कंडीशन देखकर फैसला लिया जाता है, अगर मरीज की तबीयत ठीक है तो उसका घर पर ही इलाज होता है, लेकिन अगर उसकी तबीयत बिगड़ रही है तो उसको फौरन जो पास का कोविड हॉस्पिटल है वहां पर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। मेरे साथ डिप्टी चेयरमैन है SDMC की तुलसी जोशी जी। तुलसी जी, कितने सेंटर आपने इस तरीके से बनाए हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपने अपनी डिस्पेंसरी के एक हिस्से को ही कॉलिंग सेंटर में तब्दील कर दिया? जी, हमारे यहाँ पूरे साउथ MCD में 41 सेंटर्स हमने डेवलप किए हैं। स्पेशली जो MNW सेंटर्स हैं उनको हमने उसमें कन्वर्ट किया है और क्योंकि रूटीन चीज़ें भी चल रही हैं, रूटीन जो हमारा डिस्पेंसरी का काम होता है वो भी चल रहा है और सेपरेटली हमने एक ये स्ट्रक्चर तैयार करा है जहां पर जैसा कि आपने देखा सिस्टम मेंटेन है, ऑनलाइन सिस्टम है और डॉक्टर्स यहां से कॉलिंग करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग कॉलिंग करते हैं, फिर स्टिकर तैयार होता है, वो स्टिकर लगता है, आशा वर्कर और जो ANM की एक उसकी जो टीम है एक ज्वाइंट टीम है जो जाकर वहां पर उनको ब्रीफिंग करके आती है और पूरी व्यवस्था वहां की देखकर आना कि अगर पेशेंट अकेला है तो उस केस में उस पेशेंट को नहीं छोड़ा जाता, उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है। फैमिली है तो ये चीज़ जानकारी ली जाती है कि सेपरेट टॉयलेट बाथरूम है या नहीं, कि वो उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं नहीं, और जैसे कि कहा कि ऑक्सीमीटर इज मैंडेटरी तो वो ऑक्सीमीटर देके आते हैं। ब्लीच इज बेसिकली फॉर क्लीनिंग द एरिया, अगर पेशेंट वहाँ जाता है तो उसको पूरा क्लीन वो कर आए प्रॉपर, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। किसी का हेल्थ रिकॉर्ड जैसे कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, हार्ट का है जिसको, या शुगर का इशू है, तो उसमें कोशिश रहती है कि उसको हॉस्पिटल में स्विच करें, तो रेगुलरली ये लोग जब फीडबैक उनसे लेते हैं रेगुलर फॉलोअप रहता है। मतलब आपके कॉलिंग सेंटर का जो ये स्टाफ है ये हॉस्पिटल से भी अटैच है? हाँ, हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो इसके दिल्ली गवर्नमेंट के हैं इवेंचुअली सभी लोग पेशेंट्स अभी वहीं पर ही उनको करते हैं। उसके अलावा एक जो हमारा छतरपुर में बनाया है जो केंद्र सरकार के माध्यम से बना, माननीय अमित शाह जी ने उसको डेवलप करवाया,
वो वाला जो हॉस्पिटल है, क्योंकि वो जो डेवलप किया है वो 10,000 सीट्स का है, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के जो भी पेशेंट्स आते हैं जिन्हें हमें मूव करना होता है तो हम वहाँ करते हैं। और रेगुलरली जैसे बताया इन्होंने, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि फॉलोअप लेते हैं, तो दो टाइप की चीज़ें होती हैं, तो जो न्यू केसेज हैं उनको ये फॉलोअप करते हैं, प्लस जो एग्जिस्टिंग केसेज हैं उनका रेगुलर फॉलोअप देते हैं, और उनको नंबर तक छोड़ कर देते हैं कि अगर कोई इशू उनको आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, अचानक तबीयत खराब हो जाए, सो दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद देम। यहाँ से कॉलिंग जाती तो है, और लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो क्या कुछ ऐसे नंबर आप लोगों ने दिए हुए कि जो पेशेंट है उसको अगर ज़रूरत हो हेल्थ फैसिलिटीज़ की तो वो ले सके? देखिए 9 से 4 तो हमारे टाइमिंग है ही, यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा हमारा जो नेशनल पोर्टल है उस पर भी नंबर डले हुए हैं सभी सेंटर्स के, और उसमें डॉक्टर्स उसमें अलॉट की गई हैं, तो उन डॉक्टर्स के पास में वो कॉल आता है, जैसे यहाँ इस सेंटर में इनके पास में कॉल आता है, दैट इज़ 24/7 कि वो किसी भी समय में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइमिंग हमने बताया 9 से 4 तो यहाँ पूरा स्टाफ अवेलेबल रहता है, बट अदरवाइज उसके बाद भी इमरजेंसी कैन कम एनी टाइम। तो उसके लिए भी हमने एक नेशनलाइज जो हमारा पोर्टल है उसके ऊपर भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल शर्मा जी भी है जो यहाँ के काउंसलर है। कितना फर्क पड़ रहा है इस कॉलिंग सेंटर के बनने से? कॉलिंग सेंटर के बनने से बहुत ज़्यादा अच्छा फर्क पड़ रहा है। पहले तो करीब 100 के करीब पेशेंट होते थे, लेकिन अब जो इनकी मेहनत रंग ला रही है वो 30 से 50 के बीच, मतलब 30 से 40 तो हैं डेली, कभी कभी 50 भी हो जाते हैं। और व्यवहार देखकर स्टाफ का ये समझ लीजिए 25% पेशेंट तो वैसे भी नॉर्मली साथ साथ ही ठीक हो रहे हैं। आपको अपने एरिया में कोरोना को कंट्रोल करने में ये कोविड सेंटर काफ़ी आपको लग रहा है कि असरदार? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असरदार है, और काफ़ी मेहनत से हमारा स्टाफ काम कर रहा है, और हमें बहुत खुशी है ऐसे एम्प्लॉई हमें मिले। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं हमारे, बाकी पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है और फुल हेल्पफुल है। मैं खुद कोविड पेशेंट रहा हूँ, मैं अभी 4 दिन पहले बाहर निकला हूँ, होम क्वारंटीन था मैं। डॉक्टर साहब का डेली दिन में 3 से 4 बार फोन जाता था, हर बात पूछा जाता, पल्स मीटर, बीपी, शुगर वगैरह हर चीज़ पूछी जाती थी, और मैं बहुत खुश हूँ ऐसे स्टाफ से। आप कुछ कहना? हमारा जैसा कि मैंने बताया कि शुरू से ही केंद्र सरकार भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हुई, क्योंकि दिल्ली की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और उसमें कॉरपोरेशन का बहुत मेजर रोल रहा, जो कि शायद बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि रेगुलरली जब से ये कोविड का शुरू हुआ है, पूरी हमारे हेल्थ वर्कर, पूरी टीम, कितने लोगों की जाने भी चली गई, जो हमारे से सफाई कर्मी हैं उनकी भी जाने गई हैं, पूरी टीम 2400 घंटे दिन रात लगी हुई है, जो कि कहीं हाईलाइट नहीं होता। दिल्ली सरकार, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फंड की अवेलेबिलिटी है तो वो दिखाते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम, कमिश्नर से लेकर के एडिशनल कमिश्नर है मित्र सहाय, और उनके नीचे पूरी टीम, सबके सब पूरे पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं, ताकि जितनी जल्दी केसेस बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी रिकवर होंगे और उतनी जल्दी दिल्ली की स्थिति सुधरेगी। बिल्कुल, जो ये कोविड कॉलिंग सेंटर जो SDMC ने बनाए हैं उनसे ना सिर्फ मरीजों की देखभाल की जा रही है, बल्कि जो डेथ रेट है उसको भी कम करने में मदद मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के जो कॉलिंग सेंटर है उनकी मदद से मरीज को बिना देर किए अस्पताल में भी भर्ती कराया जा रहा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।